फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज हम एजुकेशन का एक सब्जेक्ट लेके आए हैं जो बीएड और एमएड में बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। अचीवमेंट टेस्ट में हम ब्लूप्रिंट भी बनाना सीखेंगे। तो अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है? टीचर पढ़ाता है। क्यों पढ़ाते हैं? टीचर पढ़ाते हैं लर्नर्स को लर्न करने के लिए, और लर्निंग जो भी होता है उसका असेसमेंट होना जरूरी होता है, इवैल्यूएशन होना जरूरी होता है, क्योंकि टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चे कितना सीख रहे हैं इसको जानने के लिए उनका टेस्ट लेते हैं, हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। तो टेस्ट के द्वारा, तो जो टेस्ट लेने के लिए जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट के रिजल्ट से क्या होता है, टीचर का भी असेसमेंट होता है, इवैल्यूएशन होता है कि उसने जो ऑब्जेक्टिव लेके जो पढ़ाया था बच्चों को, जो जिस इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव से वो कहाँ तक फुलफिल हुआ, वो जो पढ़ाना चाहा बच्चे कहाँ तक ग्रहण कर पाए। तो इसको जांचने के लिए और आंकने के लिए अचीवमेंट टेस्ट को टीचर बनाते हैं और प्रिपेयर करते हैं और टेस्ट लेते हैं बच्चों का, और उसके मार्क्स से फिर उनको इवेल्युएट करते हैं। फिर उनको फीडबैक मिलता है कहाँ पर उनकी लर्निंग डिफिकल्टी अभी भी है, बच्चों को कहाँ और गाइड करने की जरूरत है, कहाँ ज्यादा और सिखाने की जरूरत है। इसके लिए वो अचीवमेंट टेस्ट के जरिए इवैल्यूएशन करते हैं। तो इसका अचीवमेंट टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको हम देखें। ऑब्जेक्टिव इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि वेदर स्टूडेंट्स हैव अचीव्ड द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान्ड इंस्ट्रक्शन और नॉट। मतलब टीचर जब भी इंस्ट्रक्शन देने के लिए आता है या क्लास में पढ़ाने आता है तो वो अपने साथ कुछ ऑब्जेक्टिव लेके आता है। मान लीजिए आज हम आपको ऑब्जेक्टिव ये अचीवमेंट टेस्ट पढ़ाने आए हैं, तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि आज की क्लास के बाद आपको अचीवमेंट टेस्ट पूरी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। तो ये होता है कि इसको असेस करने के लिए, टू असेस वेदर स्टूडेंट्स हैव अचीव अचीव्ड प्लान्ड इंस्ट्रक्शन अचीव्ड प्लान्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्ट्रक्शन और नॉट। जैसे आज अगर मैं आपको पढ़ाने आई हूँ अचीवमेंट टेस्ट, तो मेरा यही है ऑब्जेक्टिव कि आज आपको ये सिखा के जाएंगे। ये मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने इसे सीखा कि नहीं, तो इसके लिए मैं टेस्ट लूंगी और टेस्ट में पता चलेगा कि आपने इसको कहाँ तक सीखा, पूरी तरह से या कहीं पर आपको दिक्कत हो रही है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट का लर्निंग को मॉनिटर करना है, लर्नर्स के लर्निंग को मॉनिटर करने के लिए, मॉनिटर द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स। एंड टू गेट फीडबैक, अब टीचर को भी फीडबैक मिल रहा है, लर्नर के पेरेंट्स को भी मिलेगा या लर्नर को भी पता चलेगा कि वहां वो कहाँ पर लैक कर रहा है, तो उसको वहां पर फिर से सिखाया जाएगा। तीसरा है कि लर्निंग डिफिकल्टी कहाँ हो रही है। इसमें इस टेस्ट से ये भी पता चलता है कि टू असेस द लर्निंग डिफिकल्टी, द लर्निंग डिफिकल्टी ऑफ द लर्नर। ठीक है, इस पॉइंट पे लर्नर को दिक्कत हो रही है ये पता करते हैं। उसके बाद हम ये सारा चीज को असेस करते हैं टेस्ट लेके। तो टेस्ट किस तरह से बनाते हैं, टेस्ट को बनाने का स्टेप्स होता है। तो पहला, जब हम टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें तीन स्टेप्स होते हैं, वो तीनों स्टेप्स को हम देखेंगे। उसके बाद फिर हम अचीवमेंट टेस्ट कैसे बनता है उसका ब्लूप्रिंट बनाएंगे। ये सारे मेथड्स में आता है, जैसे जो टीचर बनने जा रहे हैं उनको अचीवमेंट टेस्ट और ब्लूप्रिंट बनाने आना चाहिए। तो जब आप कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, स्टेप
स्टेप वन, इसमें हम स्टेप वाइज देखेंगे। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि हमको निर्धारित करना है कि मेरा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो हम जानते हैं कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव ब्लूम टैक्सोनॉमी के हिसाब से हम लोग क्या जानते हैं कि चार तरह के इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है सोशल साइंस में, खास करके लैंग्वेज में थोड़ा अलग हो जाता है, साइंस में थोड़ा अलग होता है, तो हम सोशल साइंस के सब्जेक्ट को लेते हैं। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में पहले हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब किस किस आधार पर, किस उद्देश्य पर हम इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं और पढ़ाए हैं। तो पहला है नॉलेज, क्या जांचना है हमको, नॉलेज को जांचना है। दूसरा अंडरस्टैंडिंग, तीसरा है एप्लीकेशन, जो समझ में आया उसको अप्लाई करना। नॉलेज में है कि सिंपल लोअर लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन कि आपको बता दिया गया, रटने के लिए जो चीजें होती हैं वो समझना या रिकॉल एंड रिकॉग्निशन टाइप की। अंडरस्टैंडिंग में जो पढ़ाया जा रहा है उसकी समझ, और फिर जो समझे उसको आपको अप्लाई करने के लिए, ये थोड़ा हायर लेवल का हो जाता है। और उसके बाद चौथा होता है स्किल, इसमें हैंड एंड मोटर कोऑर्डिनेशन को जांचा जाता है। तो ये हम पहला स्टेप में हमने क्या किया, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को डिसाइड किया। अब दूसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप टू में हम वेटेज, स्टेप टू होता है डिजाइन, ब्लूप्रिंट का डिजाइन। इसमें हम वेटेज देते हैं, किस चीज को वेटेज देते हैं, इसमें हमें वेटेज देना है। पहला अलग अलग चीज को वेटेज देना है, और कितना वेटेज देना है ये हम पर निर्भर करता है, हम कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन बनाना है, और हमें डिसाइड करना है कि किस चीज को कितना वेटेज देना है। तो पहला वेटेज देना है इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव को, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को वेटेज देना है क्वेश्चन का डिजाइन बनाने में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो चार ऑब्जेक्टिव हमने देखा, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन एंड स्किल, उसमें से हमको किस ऑब्जेक्टिव पर कितने क्वेश्चंस देना है। दूसरा है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चंस देने हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चंस देने हैं, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन देना है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का शॉर्ट आंसर जो कि चार पांच लाइन में जिसका आंसर हो, या लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन देना है, ये हमको डिसाइड करना है। तीसरा है डिजाइन में हमें यूनिट एंड सब यूनिट्स, सब यूनिट्स इसका मतलब क्या हुआ कि हमको किस यूनिट से क्वेश्चन देना है, और उस यूनिट के कितने सब यूनिट में से क्वेश्चन देना है, ये डिसाइड करना है। जो अचीवमेंट टेस्ट बनाने जा रहा है टीचर, उसको सेकेंड स्टेप में वेटेज डिसाइड करना है। वेटेज किस किस आधार पर होगा, पहला इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जिसमें नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन या स्किल, किस आधार पर क्वेश्चन देना है। दूसरा किस टाइप का क्वेश्चन देना है, लेंथी क्वेश्चन देना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देना है कि शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन देना है। और तीसरा है यूनिट्स एंड किस सब यूनिट्स, मतलब किस यूनिट से देना है। और एक और चीज हम कंसीडर करते हैं, लेवल ऑफ डिफिकल्टी। तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी का ये मतलब इसका डिसीजन हम लोग पहले से जानते हैं कि डिफिकल्टी में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं वो एवरेज टाइप के होते हैं, मतलब कि सभी बच्चे उसका आंसर कर सके इस टाइप का क्वेश्चन होता है। और कुछ परसेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो बिलो एवरेज होते हैं, जिसमें कमजोर बच्चे भी आंसर कर सके, और कुछ क्वेश्चंस अबव एवरेज होते हैं जो कि जीनियस बच्चे होते हैं, जिससे क्लास में बच्चों का रैंक निर्धारित होता है, इसलिए कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं। अब हम इसका डिजाइन बनाएंगे। इसका डिजाइन में डिजाइन का पहला था मेरा ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, तो इसके आधार पर वेटेज देना है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ हम सीरियल नंबर लिखते हैं,
ऑब्जेक्टिव के आधार पर जो है ऑब्जेक्टिव पहला जो था पॉइंट सीरियल नंबर और यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ होगा मार्क्स कितने मार्क्स का किस ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन देना है और परसेंटेज ऑफ मार्क्स। अब सपोज हम मान के चलते कि हमको 30 मार्क्स का क्वेश्चन बनाना है ठीक है टोटल मार्क्स 30 है तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या क्या है नॉलेज नॉलेज को हम कैसे लिख रहे हैं अंडरस्टैंडिंग यू एप्लीकेशन ए एंड स्किल ठीक है इसको हम नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन और स्किल ये चार सीरियल नंबर हुआ 1, 2, 3 और 4। अब हमको मार्क्स डिसाइड करना है कि किस ऑब्जेक्टिव से हम कितना क्वेश्चन देंगे क्योंकि क्वेश्चन मुझे बनाना है या आपको बनाना है तो आप फ्री हैं कि किस ऑब्जेक्टिव से आप कितना क्वेश्चन चुनते हैं। तो हम सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि नॉलेज से हम 10 क्वेश्चन लेंगे 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का मतलब एक एक क्वेश्चन का एक क्वेश्चन एक मार्क्स का ठीक है अंडरस्टैंडिंग से हम एक क्वेश्चन देंगे ठीक है 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग से एक क्वेश्चन एप्लीकेशन से 5 मार्क्स का देंगे और एक क्वेश्चन हम 10 मार्क्स का स्किल से देंगे ठीक है। तो ये हमारा वेटेज ऑब्जेक्टिव के हिसाब से डिसाइड हो गया। अब 10 मार्क्स का क्वेश्चन 1 मार्क ईच वन क्वेश्चन 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चन तो परसेंटेज इसका कैसे निकलेगा 10 बाय टोटल है 30 इंटू 100 तो इसका परसेंटेज आता है 33% ठीक है हमको 100% लाना है ये 30 का पूरा 30 मार्क्स। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है इसको भी हम इसका परसेंटेज निकालें तो ये आता है आप कैलकुलेट कर लेंगे ये 17% आता है ये भी 5 बाई 30 इंटू 100 ये भी 17% आया और ये 10 बाई 30 इंटू 100 इट इज 33% ठीक है। अब यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो 100% हो गया मतलब ये 30 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया यहाँ पर जोड़िए ये 30 आ रहा है 30 मार्क्स का क्वेश्चन ये हो गया हमारा डिजाइन का पहला वेटेज। अब दूसरा ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड मार्क्स का डिवीजन हो गया क्या था हमारा वेटेज टू कंटेंट कंटेंट को कितना वेटेज देंगे वेटेज टू कंटेंट इसमें क्या है कि कंटेंट में हम जिस यूनिट और सब यूनिट था ना हमारा ऑब्जेक्टिव में तो हमारा सीरियल नंबर होगा फिर यूनिट हिसाब से तो 1, 2, 3 सपोज हमने 3 यूनिट को टच किया कंटेंट के लिए ठीक है तो यहाँ पर हो गया यूनिट तो 1, 2 और 3 तीन यूनिट को हमने लिया ठीक है। अब मार्क्स यूनिट में हम डिवाइड करते हैं ये हमें डिसाइड करना है कि 30 मार्क्स के क्वेश्चन में किस यूनिट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन हम लेंगे तो हमने डिसाइड किया कि फर्स्ट यूनिट से 5 मार्क्स का क्वेश्चन हम लेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का और 5 मार्क्स का लेंगे शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन। सेकेंड यूनिट से भी हम ऐसा ही करेंगे सेकेंड यूनिट से भी 5 मार्क्स का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन लेंगे और 5 मार्क्स का शॉर्ट आंसर टाइप का और थर्ड यूनिट से हम एक क्वेश्चन लेंगे 10 मार्क्स का ठीक है। तो ये हो गया डिसाइड फिर 5, 5, 10, 10, 20 और 10, 30 टोटल 30 मार्क्स का डिविजन हो गया 3 यूनिट में। अब अगला स्टेप है हमारा वेटेज टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कंटेंट का वेटेज हो गया 3 तरह का वेटेज हुआ एक ऑब्जेक्टिव का एक यूनिट का अब तीसरा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन
हालांकि हमने पहले ही डिसाइड कर लिया, आपको ये क्लियर हो चुका है जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो अब इसमें है कि सीरियल नंबर फिर हम करते हैं 1, 2, 3 और यहाँ होगा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जिसमें कि हमारे क्या है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है जो डिस्क्रिप्टिव होगा, फिर है वेरी शॉर्ट आंसर जिसमें कि 4-5 पॉइंट्स में आंसर, शॉर्ट आंसर जो कि 4-5 पॉइंट में आंसर होगा, और वेरी शॉर्ट आंसर जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा या इसका 1 वर्ड आंसर होगा। ठीक है, अब इसका हर क्वेश्चन के लिए मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन का मार्क्स, तो लॉन्ग आंसर के लिए 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर का होगा 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स का, सो इट विल बी ऑल्सो 10, और यहाँ होगा 10 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स, सो इट इज 10, सो इट इज अगेन 30। ठीक है, तो क्वेश्चन कितना हुआ हमारे पास, एक नंबर ऑफ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लार्ज आंसर का, 2 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर का और 10 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर का। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन का कितना नंबर आ रहा है, 13 क्वेश्चन 30 मार्क्स का हम बनाएंगे। अब ये सारा हमारा डिजाइन बन गया, अब हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं। क्लियर है, जब आप स्कूल में रहेंगे तो क्वेश्चन का आपको ब्लूप्रिंट बना के देना पड़ता है, इसलिए ये जानना जरूरी है, एग्जाम में भी आता है। तो जब क्वेश्चन का ब्लूप्रिंट बनेगा तो उसमें क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले लिखा जाएगा कौन सा एग्जाम है, यूनिट टेस्ट या जो भी है एग्जाम, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद आएगा यूनिट, कौन सा यूनिट का टेस्ट हो रहा है, 1, 2, 3 हमने लिया है, 1, 2 एंड 3 सब्जेक्ट, सोशल साइंस का कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं हम, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी कुछ भी। मैक्सिमम मार्क्स क्या है, मैक्सिमम मार्क्स 30। ठीक है, और पेपर कौन सा है, पेपर उसके बाद है क्लास और टाइम, किस क्लास का एग्जाम है और कितने समय का एग्जाम है, सपोज 1 आवर का एग्जाम, जनरली यूनिट टेस्ट 1 आवर का होता है। ये हो गया, अब हम इसका ब्लूप्रिंट बनाएंगे। तो ये ब्लूप्रिंट जो बनेगा, तो इधर होगा यूनिट, इधर होगा ऑब्जेक्टिव, अब ये ऑब्जेक्टिव्स हो गया, इधर यूनिट 1, 2, 3। ठीक है, और हमारे ऑब्जेक्टिव में पहला था नॉलेज, दूसरा था अंडरस्टैंडिंग, तीसरा था एप्लीकेशन, चौथा था स्किल, और इधर होगा टोटल। ठीक है, अब इसमें भी हमको बाइफर्केशन करना है, लार्ज शॉर्ट आंसर वेरी शॉर्ट आंसर, लार्ज शॉर्ट आंसर वेरी शॉर्ट आंसर, यहां भी वैसे ही होगा, लार्ज शॉर्ट आंसर वेरी शॉर्ट आंसर, हियर ऑल्सो लार्ज शॉर्ट आंसर एंड वेरी शॉर्ट आंसर, यहां भी लार्ज शॉर्ट आंसर एंड वेरी शॉर्ट आंसर। ओके, अब हमारा क्या डिसीजन था कि हम
यूनिट वन से वेरी शॉर्ट आंसर का कितना क्वेश्चन देंगे, एक एक नंबर का 5 क्वेश्चन देंगे। तो हम मार्क्स को बाहर रखेंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ब्रैकेट में, मार्क्स बाहर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये एक था हमारा कि नॉलेज से हम 5 देंगे, फिर अंडरस्टैंडिंग से हम शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन एक यूनिट से एक देने को कहे थे, तो उसका मार्क्स क्या था 5, और क्वेश्चन का नंबर कितना था, नहीं सॉरी, हाँ मार्क्स बाहर और क्वेश्चन नंबर अंदर, ये हो गया। पहला यूनिट से मेरा इतना ही था। दूसरा यूनिट में हमने क्या डिसाइड किया था, दूसरा यूनिट में भी यही डिसाइड किया था कि एक नंबर का 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन देंगे और एक क्वेश्चन एप्लीकेशन से देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हम एप्लीकेशन से देंगे, शायद उसमें हम नहीं बताए थे ना एप्लीकेशन से, तो अगर तो वेरी शॉर्ट आंसर से ही अगर हम देते हैं या एप्लीकेशन से एक क्वेश्चन देते हैं तो ये लिखाएगा 5 × 1। और एक थर्ड यूनिट से हमने कहा था एक क्वेश्चन देंगे स्किल से, तो स्किल से जो क्वेश्चन देंगे वो मार्क्स बाहर क्वेश्चन का नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर हम टोटल कर रहे हैं, तो लार्ज क्वेश्चन यहाँ 0 है, यहाँ लार्ज क्वेश्चन 0 है, शॉर्ट आंसर 1 है और वेरी शॉर्ट आंसर 5 है, ठीक है। क्वेश्चंस यहाँ पर क्या है, यहाँ वेरी शॉर्ट आंसर 5 है, लार्ज क्वेश्चन 1 है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, नीचे में एक क्वेश्चन है लार्ज का, तो यहाँ पर क्या आ रहा है टोटल 10, 2 और 1, ये 13 आ रहा है, 10, 2, 1, 13। और इधर हम देख रहे हैं, इधर हम मार्क्स जोड़ते हैं, अगर नहीं इधर भी वही करते हैं, तो यहाँ आ रहा है हमारा 2 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2, यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है 10, 5 क्वेश्चन 10, यहाँ एक और यहाँ एक, तो 10, 11, 12, 13, तो यहाँ पर टोटल 13 क्वेश्चंस हमारे आ रहे हैं। और मार्क्स को अगर हम जोड़े तो एक मार्क्स का 5 क्वेश्चन, तो यहाँ मार्क्स अगर हम जोड़ते हैं तो 5 और 5, 10 मार्क्स हो गया, यहाँ पर 5 हुआ मार्क्स और ये भी 5 हुआ और यहाँ पर 10 हुआ, तो ये मार्क्स यहाँ पर 10, 5, 5, 10 = 30, तो ये हमारा 30 मार्क्स का अचीवमेंट टेस्ट का ब्लूप्रिंट बन गया। तो इस तरह से आप इसको बनाएंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है बीएड एमएड में खास करके। थैंक यू।